गुड आफ्टरनून एवरीवन, इज इट ऑडिबल एंड विजिबल? चलो सब बराबर है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, खुश रहो, प्रणाम, आदाब, अजय, सबको सत श्री अकाल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आज से स्टार्ट करते हैं, एक बार जल्दी से सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ मैं, है ना, सेशन। फिर आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फाइनाइट स्लोप वाला मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, लगेगा तो टेलीग्राम पर, या फिर मैं पढ़ा दूंगा कोई सी क्लास लेकर। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं पढ़ाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनाइट स्लोप का मैं पढ़ा दूंगा, कभी भी पढ़ा दूंगा, उसके लिए मैं तो प्रॉब्लम नहीं है। या तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में भेज सकता हूँ आपको, दैट वो भी चल जाएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन, है ना। सेशन स्टार्टेड करके ऐसा लिख दो आप लोग, सभी लोग, तो सभी को आइडिया हो जाएगा कि भाई सेशन चालू हो चुका है, सभी को ज्वाइन कर लेना है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था, वॉइस बढ़ाने का बोल रहे हैं क्या, एक बार ट्राई करता हूँ मैं वॉइस बढ़ाने का। ठीक है, हेलो, माइक को भी थोड़ा सा पास पास कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ओके, फाउंडेशन इंजीनियरिंग की अपन यहाँ पर बात करते हैं। इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, है ना, इस फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम बात करें तो हमारे पास दो चैप्टर्स रहने वाले होंगे मेनली, एक होता है सेलो फाउंडेशन, एक होता है डीप फाउंडेशन। ठीक है, और यही अपने आप में दो टॉपिक्स हैं मेरे पास, है ना। दो टाइप के फाउंडेशन हो सकते हैं मेरे पास में, एक हो सकता है शेलो फाउंडेशन, एक हो सकता है मेरे पास में यहाँ पर डीप फाउंडेशन, है ना, डीप फाउंडेशन। एक हो सकता है आपका शेलो फाउंडेशन, एक हो सकता है आपका डीप फाउंडेशन, और यही मेरे पास दो अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पर रहेंगे। तो सेलो फाउंडेशन की यदि हम बात करें या डीप फाउंडेशन की हम बात करें, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम फाउंडेशन डिज़ाइन करना नहीं सीखते हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि मैं यहाँ पर आपको डिज़ाइन सिखाऊंगा कि आपको डेप्थ ऑफ थिकनेस ऑफ फुटिंग कितना रखना है, एरिया ऑफ स्टील रेन्फोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना है, प्लान एरिया आपका फुटिंग का क्या होगा, इस पर कितने लोड्स आएंगे, ये वो सब हम यहाँ पर बात करने वाले नहीं है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर सर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में फिर क्या बात करेंगे, तो यहाँ पर हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे आपके फुटिंग के बेस के नीचे जो सॉइल मौजूद है, उस सॉइल का क्या बियरिंग कैपेसिटी है फुटिंग के बेस पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम बात करेंगे कि यदि आपके पास शेलो फुटिंग है, तो ये फुटिंग जिस सॉइल पर रखा गया है, उस सॉइल की क्या बियरिंग कैपेसिटी है, क्या इस फुटिंग के प्रेशर को वो सॉइल ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। डी फाउंडेशन के अंदर भी हम कैपेसिटी की बात करेंगे, सॉइल कैपेसिटी की, कितना मैक्सिमम लोड पाइल पर लगाया जा सकता है कि सॉइल शियर ना हो, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले रहेंगे रिलेटेड टू सॉइल। ओके, तो यदि मैं बात करूँ शेलो फाउंडेशन, तो आप बहुत अच्छे लेवल पर समझते होंगे कि शेलो फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है, डीप फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ कि ऐसे फाउंडेशन जिनका विड्थ ज़्यादा हो या इक्वल हो डेप्थ ऑफ फुटिंग से, उसको हम कहेंगे यहाँ पर शेलो फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे फाउंडेशन जिनका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या हो, ज्यादा हो विड्थ ऑफ फाउंडेशन से, उसको हम कहेंगे डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन के अंदर हम पाइल फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले रहेंगे, और शेलो फाउंडेशन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की फुटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाले रहेंगे।
एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, डेप्थ ऑफ फुटिंग से मेरा तात्पर्य क्या रहेगा। जैसे कि मैं कहूँ ये मेरे पास यहाँ पर ग्राउंड सरफेस है, तो यहाँ पर मैं एक गड्ढा खोद देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सकेवेशन वर्क करता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया। यहाँ पर मैंने गड्ढा खोदा, तो जितनी डेप्थ का गड्ढा खोदा, यही मेरा है डेप्थ ऑफ फुटिंग। यही मेरा क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग है। कुछ लोग ऐसा ना समझ लें कि डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब ये चीज, हम ऐसा फुटिंग प्रोवाइड करने वाले रहेंगे ना भाई, अपन लोग ऐसा फुटिंग प्रोवाइड करेंगे और बाकी यहाँ पर हम वापस से क्या कर देंगे, सॉइल को फिल कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम गड्ढा बनाते हैं, एक ट्रेंच बनाते हैं, उसके अंदर आरसीसी डालते हैं, कॉलम बाहर की तरफ निकालते हैं और बचे हुए पोर्शन को वापस हम सॉइल से फिल कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसा ना समझे कि डेप्थ ऑफ फुटिंग मतलब ये थिकनेस ऑफ फुटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। गलत, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे गड्ढे की डेप्थ की बात कर रहा हूँ कि जितने डेप्थ का आपने गड्ढा खोदा है, दैट इज योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। क्लियर? थिकनेस ऑफ फुटिंग से अभी फिलहाल में थिकनेस ऑफ फुटिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थिकनेस ऑफ फुटिंग मैं आरसीसी में डिजाइन करता हूँ। मैं आपको पढ़ाया हूँ बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, वन वे शेयर क्राइटेरिया, टू वे शेयर क्राइटेरिया, तो वो सब हम वहाँ पर डिजाइन करते हैं फुटिंग वगैरह आरसीसी में। क्लियर है मेरी यहाँ तक की बात? तो डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरी ये रहेगी, डेप्थ ऑफ एक्सकेवेटेड पार्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो बियरिंग कैपेसिटी मुझे निकालना है, वो कितने किस बेसिस पर निकालना है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिलहाल में हम लोग तो शेलो फाउंडेशन को लेने जा रहे हैं। हमारा जो आज का जो चैप्टर रहेगा, अब जो फर्स्ट अभी यहाँ का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो रहेगा आपका शेलो फाउंडेशन। सबसे पहले हम शेलो फाउंडेशन देखेंगे, उसके बाद हम डीप फाउंडेशन पर जंप करेंगे। तो शेलो फाउंडेशन आप लोग समझ चुके हैं कि भैया शेलो फाउंडेशन मतलब ऐसा फाउंडेशन जिसकी विड्थ क्या हो, ज्यादा हो उसकी डेप्थ से, या इक्वल हो तो भी चल जाएगा। अब शेलो फाउंडेशन में मैं आपको बता रहा था कि यदि आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो मेरे पास मेनली दो क्राइटेरिया रहेंगे, है ना। बियरिंग कैपेसिटी यदि निकालना है तो मेरे पास दो क्राइटेरिया रहेंगे। है ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी, टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो मेरे पास दो क्राइटेरिया रहेंगे टू एस्टिमेट बियरिंग कैपेसिटी। क्या क्राइटेरिया रहेंगे हमारे पास, एक क्राइटेरिया रहेगा दैट इज योर शेयर फेलियर क्राइटेरिया, शेयर फेलियर क्राइटेरिया। और दूसरा आपका क्राइटेरिया रहेगा सेटलमेंट क्राइटेरिया, सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं, यदि आपको बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, आपको शेलो फाउंडेशन के अंदर बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो ये बियरिंग कैपेसिटी जो है आपका, ये सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी दो तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तरीका है आपका शेयर फेलियर क्राइटेरिया, दूसरा तरीका है आपका सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया। मतलब आप लोड लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए, जिस लोड पर जाकर सॉइल शेयर हो जाए वो आपका मैक्सिमम लोड हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या हो जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन की जा सकती है। तो ये जो मैं चीज बताया, ये आपका हुआ शेयर फेलियर क्राइटेरिया, कि सॉइल शेयर हो रही होगी किसी लोड पर जाकर। एक है हमारे पास सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया। सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया मतलब क्या, आप लोड लगाते जाओ, सेटलमेंट मेजर करते जाओ, लोड लगाते जाओ, सेटलमेंट मेजर करते जाओ, लोड लगाते जाओ, सेटलमेंट मेजर करते जाओ। किसी पर्टिकुलर मैक्सिमम सेटलमेंट पर जाकर यदि आपको सडनली लार्ज सेटलमेंट ऑब्जर्व होता है, मतलब उस लोड पर आपका सॉइल क्या हो चुका है, शेयर हो चुका है। भाई मैं लोड लगाते जा रहा हूँ सॉइल पर, लगाते गया, लगाते गया, लगाते गया, लगाते गया, लगाते गया, लगाते गया, सेटलमेंट की वैल्यू सॉइल में मिलती जा रही, मिलती जा रही, मिलती जा रही, मिलती जा रही है। सडनली किसी लोड पर आपको बहुत ज्यादा सेटलमेंट मिल गया, मिल गया, मतलब आपका वो क्या हो चुका है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आ गया आपका। वो जो सडनली लार्ज सेटलमेंट मिला है ना, इसका मतलब ये है कि सॉइल वहां जाके शेयर हो चुकी है। तो दैट इज बेस्ड ऑन सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया। तो इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे आने वाले टाइम में। अब फिलहाल में हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कितने टाइप की बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन की जा सकती है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिलहाल में हम देख रहे हैं कि कितने टाइप की बियरिंग कैपेसिटीज डिस्कस की जा सकती है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टॉपिक का नाम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी। मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी में मैं फर्स्ट टाइप की बियरिंग कैपेसिटी लेने जा रहा हूं, जिसको मैं यहां पर कहूंगा ग्रॉस प्रेशर। क्या कहूंगा, ग्रॉस प्रेशर।
ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ग्रॉस प्रेशर। अब समझते हैं ये ग्रॉस प्रेशर क्या है ना, समझते हैं ग्रॉस प्रेशर क्या चीज है। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ तरीके हैं समझने के, समझाने के, आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रॉस प्रेशर। ये ग्रॉस प्रेशर क्या है उसको मैं समझाता हूँ। सपोज मुझे मान लेने दीजिए ये आपकी एक कोई फुटिंग है, मुझे मान लेने दीजिए ये आपके पास क्या है, एक फुटिंग है। ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर की तरफ कॉलम आगे जा रहा होगा। ये ग्राउंड सरफेस से लेकर इस डेप्थ तक हम इसको क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहते हैं, DF। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, DF कहते हैं। इतनी डेप्थ का गड्ढा खोदा होगा और उसके अंदर ये फुटिंग बनाई होगी आपने। यहां पर आप किस जो ग्रॉस प्रेशर की मैं बात कर रहा हूं वो कहां पर लगाएगा, वो कहां पर लगेगा, फुटिंग के बेस पर। तो जितने भी प्रेशर होंगे हम फुटिंग के बेस पर ही मेजर करेंगे, क्योंकि फुटिंग के बेस पर क्या मौजूद है, सॉइल। तो सॉइल क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है ऊपर की तरफ। अब ये प्रेशर किसके अगेंस्ट लग रहा है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जस्ट सॉइल का मन किया तो उसने प्रेशर लगाना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ये किसी चीज के अगेंस्ट लगेगा, किन चीज के अगेंस्ट लगेगा वो समझना यहाँ पर जरूरी है। मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि ग्रॉस प्रेशर को मैं QG से डिनोट कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रेशर को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, QG से यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये ग्रॉस प्रेशर QG किस चीज के अगेंस्ट लग रहा है वो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो ये तीन चीजों के अगेंस्ट लग रहा होगा। तीन चीज क्या है वो तो मैं यहां पर बताता हूं कि ग्रॉस प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है, पहला जो लोड आपके कॉलम से आ रहा था, स्लैब का लोड बीम में आ रहा था, बीम का लोड कॉलम में आ रहा था, कॉलम का खुद का सेल्फ वेट था वो किस में आ रहा है, फुटिंग में आ रहा है। तो ये जो टोटल वेट आ रहा है ना ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर से, ये सब स्ट्रक्चर है, वो जो सुपर स्ट्रक्चर है, तो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है वो लोड के अगेंस्ट ये प्रेशर लग रहा है। तो मैं लिख रहा हूं प्रेशर, ये ग्रॉस प्रेशर किसके बराबर है, ये है प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड, प्रेशर ड्यू टू अप्लाइड लोड प्लस, ये ग्रॉस प्रेशर लगने का एक कारण ये है। दूसरा कारण भाई ये जो फुटिंग है इसका खुद का सेल्फ वेट है, उसके अगेंस्ट भी लग रहा होगा। तो ग्रॉस प्रेशर का जो दूसरा कारण है वो है प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। मैंने कहा ठीक है साहब, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण लग गया। तीसरा कारण क्या हो सकता है सर? तो देखो यहां पर मैं तीसरा कारण बता रहा हूं। जब भी आप फाउंडेशन बनाते हैं, यदि आपने साइट विजिट किया होगा, जब कभी आपने साइट विजिट किया होगा तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर फिर वो RCC का मटेरियल डाल देते हैं, कॉलम खड़ा कर देते हैं। अब जो गड्ढा खोदा था उसको वापस से भरना भी तो पड़ेगा। किससे भरते हैं, जो सॉइल आपने बाहर निकाली थी वही सॉइल हम वापस भर देते हैं उसके अंदर, कॉम्पैक्ट कर देते हैं फिर। तो ये सॉइल जो आपने भरी इस जगह पर, इस खाली जगह पर आपने वापस से सॉइल भरा, वो सॉइल भी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा फुटिंग के ऊपर। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो गड्ढा आपने खोदा था उसके अंदर आपने वापस से RCC भर के किया, अब वो गड्ढा वापस से भरना भी तो पड़ेगा हमें। तो वो सॉइल जो हमने निकाला था वो वापस हमने डाल दिया, ये सॉइल इस फुटिंग के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ओवरबर्डन प्रेशर कहेंगे। तो यहां पर हम लगा रहे हैं प्लस प्रेशर ड्यू टू ओवरबर्डन, मैं यहां पर ले रहा हूं प्लस प्रेशर ड्यू टू ओवरबर्डन, प्रेशर ड्यू टू ओवरबर्डन, ओवरबर्डन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ सॉइल। तो यहाँ की सॉइल और यहाँ की सॉइल फुटिंग पर प्रेशर लगा रही है। तो इन तीनों को, यदि इन तीनों प्रेशर को यदि मैं ऐड करूं तो उतने अमाउंट का टोटल प्रेशर सॉइल नीचे से ऊपर की तरफ फुटिंग के बेस पर लगा रहा होगा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, और यही आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रेशर कहलाता है। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ग्रॉस प्रेशर इज द टोटल प्रेशर इंक्लूडिंग ऑल द टाइप ऑफ लोड्स प्लस प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस प्रेशर ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ सॉइल। क्लियर है यहां तक की बात? तो ये था आप लोगों का ग्रॉस प्रेशर। समझ में आ गया मेरी इतनी बात? यस सर, यहां तक की बात हमें पूर्ण रूप से क्लियर है। मैंने कहा आइए मैं आपको, फिर यदि ये बात क्लियर है तो मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूँ, और वो है आपकी नेट प्रेशर से रिलेटेड। यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेट प्रेशर। नेट प्रेशर, नेट प्रेशर,
जैसे कि मेरे पास ग्रॉस प्रेशर था उसको मैंने क्यू जी से डिनोट किया था, तो नेट प्रेशर को मैं यहां पर क्यू एन से डिनोट कर रहा हूं। अब क्यू एन क्या है? क्यू एन वो प्रेशर है बेस ऑफ द फुटिंग पर जिसमें हमने अप्लाइड लोड के कारण प्रेशर कंसिडर कर रखा है और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण प्रेशर कंसिडर कर रखा है। मतलब मैंने इसके कारण प्रेशर कंसिडर कर रखा है और इसके कारण प्रेशर कंसिडर कर रखा है, इन दोनों के कारण यदि मैं प्रेशर कंसिडर करता हूं तो ऐसे प्रेशर को हम क्या कहेंगे? नेट प्रेशर कहेंगे। दैट मींस हम ये वाला प्रेशर क्या कर रहे हैं? ओवरबर्डन वाला प्रेशर कंसिडर नहीं कर रहे हैं इन एस्टिमेटिंग द नेट प्रेशर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस ओवरबर्डन प्रेशर इन द नेट प्रेशर। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? हमने यहां पर लिख दिया। अच्छा अच्छा मैंने क्या कहा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? नेट प्रेशर हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि QG में से ओवरबर्डन प्रेशर हम माइनस कर दें तो हमें नेट प्रेशर मिल जाएगा? तो ऐसा मैं यहां पर लिख देता हूं कि भैया आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, आपका जो नेट प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आपका QG जो आ रहा है ग्रॉस प्रेशर, इस ग्रॉस प्रेशर के अंदर क्या क्या समाया हुआ है? इस ग्रॉस प्रेशर के अंदर अप्लाइड लोड के कारण प्रेशर है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण प्रेशर है और ओवरबर्डन के कारण प्रेशर है। नेट प्रेशर में हमें ओवरबर्डन का प्रेशर नहीं चाहिए, तो वो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर माइनस कर देता हूं और ओवरबर्डन के प्रेशर को मैं सिग्मा बार से यहां पर क्या कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इसको डिनोट कर रहा हूं सिग्मा बार से। तो सिग्मा बार इज द ओवरबर्डन प्रेशर। तो ग्रॉस प्रेशर में से ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रेशर मिल जाएगा। तो ये सिग्मा बार की वैल्यू कितनी हो सकती है साहब? तो ये सिग्मा बार क्या है? दिस इज योर ओवरबर्डन, दिस इज योर ओवरबर्डन प्रेशर। अब आप यदि मुझसे पूछें इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैं लिखूंगा सिग्मा बार इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस है। और भाई सिग्मा बार क्या है? एक टाइप का इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ का यूनिट वेट यदि मैं लिख दूं कि गामा है, इस सॉइल का, यहाँ के सॉइल का यूनिट वेट यदि गामा है, तो सिग्मा बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा इंटू डी एफ, बात खत्म। ये आपका क्या आ गया? गामा इंटू डी एफ आ गया, बात खत्म हो गई। ये कब हुई? जब वाटर टेबल नहीं था, आपके पास वाटर टेबल नहीं था, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं नो वाटर टेबल, नो वाटर टेबल, तब आपके पास ये वैल्यू आया होगा। यदि आपके पास वाटर टेबल मौजूद है ग्राउंड सरफेस पर, मैं मान लेता हूं कि इस लेवल पे यहां पर सपोज वाटर टेबल मौजूद है, तो ये गामा क्या बन जाएगा? गामा सबमर्ज्ड। तो टोटल स्ट्रेस गामा इंटू डी एफ, टोटल स्ट्रेस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी एफ, पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, क्या बन गया होगा? गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज डीएफ आपका बन जाएगा जब वाटर टेबल मौजूद रहेगा तब। तो यहां पर मैंने लिखा गामा सबमर्ज इंटू डीएफ, तो ये आपका क्या बन चुका है? जब आपके पास वाटर टेबल मौजूद होगा उस टाइम पर, मतलब फुल्ली सबमर्ज कंडीशन जब मौजूद होगी तब आपका ये वाला बन जाएगा। तो मैं कितने टाइप की बता दी आपको अभी तक बेयरिंग कैपेसिटीज? दो टाइप की बता दिया, एक मैं आपको बताया ग्रॉस प्रेशर, मैं आपको बताया एक नेट प्रेशर। समझ आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक है आपका ग्रॉस प्रेशर, एक है आपका नेट प्रेशर। मैं फोटो खींचने का आपको वो दे रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ बीच में से, आप स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी लोग जिनको फोटो खींचना है वो लोग जल्दी से फोटो खींचेंगे, और सभी लोग एक बार शेयर भी कर देंगे, है ना, एक बार सभी लोग सब जगह पर शेयर कर देंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन आना है, मतलब आना है। यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, मतलब आने हैं, और हमेशा आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और आगे भी आते रहेंगे, और हर एग्जाम में आते हैं। आप दुनिया का कोई सा भी एग्जाम उठाइए, हर एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चंस दिखेंगे ही दिखेंगे। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दो।
चलो मैंने शेयर कर दिया है, सभी ने फोटो ले लिया भाई, सभी ने फोटो ले लिया है, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिसको जो जो लेना था सब ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आइए मैं आपको बताता हूँ इसके आगे के बियरिंग कैपेसिटीज। अभी तक हमने ग्रॉस प्रेशर देख लिया, है ना, हम लोगों ने ग्रॉस प्रेशर देख लिया, हम लोगों ने नेट प्रेशर देख लिया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास बियरिंग कैपेसिटी है उसको हम कहेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम किसे डिनोट करेंगे, क्यू यू से डिनोट करेंगे। अब ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या चीज है सर, मैंने कहा आइए हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू के बारे में, मैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्यू यू के बारे में बता रहा था। पहले मैं इसका छोटा सा एक डेफिनेशन लिख देता हूँ कि इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड, विच कैन बी अप्लाइड एट द बेस ऑफ फुटिंग, एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शेयर फेलियर, है ना, एट द बेस ऑफ फुटिंग विदाउट शेयर फेलियर, विदाउट शेयर फेलियर। समझ में आ रही मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सो इट इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जो कि आप बेस ऑफ फुटिंग पर लगा सकते हैं और शेयर फेलियर तब भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि देखो यह है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विच इज योर मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ग्रॉस प्रेशर पढ़ाया हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रेशर ही आपका अल्टीमेट कैपेसिटी है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि मेरे पास ये क्या है, फुटिंग है। मैंने कहा मेरे पास ये क्या है, फुटिंग है। यस सर, फुटिंग है। अब इस फुटिंग पर यहां पर हमारे पास क्या है, ग्रॉस प्रेशर लग रहा है। अब ये ग्रॉस प्रेशर के अंदर क्या क्या शामिल है भाई, यदि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये ग्रॉस प्रेशर लग रहा है तो इस ग्रॉस प्रेशर के नीचे क्या क्या शामिल है। इस ग्रॉस प्रेशर में आपका सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग शामिल है, अप्लाइड लोड शामिल है और ओवरबर्डन ऑफ सॉइल, तीनों शामिल है इस ग्रॉस प्रेशर में। अब कहा कि भैया इन सबको मैंने ऐड किया कि आपका लोड आ रहा था उसके कारण कितना प्रेशर आया, आपका सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग उसके कारण कितना प्रेशर आया, आपका ओवरबर्डन ऑफ सॉइल उसके कारण कितना प्रेशर आया। तो मुझे पता लगा जो टोटल ग्रॉस प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है क्यू जी इक्वल टू 600 किलोन पर मीटर स्क्वायर। अरे ये ग्रॉस प्रेशर टोटल लग रहा है, क्या मेरा सॉइल इतना प्रेशर ले सकता है या नहीं ले सकता है? ग्रॉस प्रेशर कितना लग रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, क्या मेरा सॉइल इतना प्रेशर ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? तो मैंने देखा कि नहीं, मेरा सॉइल इतना प्रेशर नहीं ले पा रहा है। मेरा सॉइल जो ग्रॉस मैक्सिमम ले सकता है वो 400 किलोन पर मीटर स्क्वायर ही ले सकता है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास ग्रॉस प्रेशर की, जिस पर सॉइल सेफ है, आपने 400 तक आपकी सॉइल सेफ है, आपने 401 लगाया, सॉइल यहां पर आके फेल हो गई, मतलब 400 वो वैल्यू हो गई, वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर हो गया जहां तक आपकी सॉइल सेफ बनी रहेगी, देर विल बी नो शियरिंग इन द सॉइल। तो वो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर ही आपका क्या कहलाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाएगा, क्यू यू। तो आपको क्यू यू और क्यू जी में डिफरेंस समझ में आ रहा है, दोनों ही ग्रॉस प्रेशर है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी एक टाइप का ग्रॉस प्रेशर है और ग्रॉस प्रेशर तो है ही ग्रॉस प्रेशर। ये भी आपका सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग को कंसिडर करता है, ये भी आपका टोटल अप्लाइड लोड जो कॉलम से आ रहा है उसको कंसिडर करता है, ये भी आपका ओवरबर्डन प्रेशर कंसिडर करता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये वो ग्रॉस प्रेशर है जहां तक सॉइल सेफ बनी रह सकती है और ये वो ग्रॉस प्रेशर है जो आपका टोटल वैल्यू बता रहा है। अब यहां पर हो सकता है सॉइल सेफ हो या ना भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं रहेगा। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? सो अल्टीमेट कैपेसिटी इज दैट मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जहां तक आपका सॉइल में शेयरिंग नहीं हो रहा है, ऐसा मैं साफ तौर पर यहां पर लिख चुका हूं और मैं यहां पर बता भी दिया हूं। और ये प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी कहां पर लग रहा होगा, डेफिनेटली ये जो बियरिंग कैपेसिटी है, ये जो आपका बियरिंग कैपेसिटी है ये कहां पर लग रहा है, ये बियरिंग कैपेसिटी आप लोगों का लग रहा है बेस ऑफ द फुटिंग पर।
समझ में आ गई मेरी इतनी सी बात बेस ऑफ दी फुटिंग पर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये थी मेरी थर्ड टाइप की बियरिंग कैपेसिटी। फोर्थ टाइप का बियरिंग कैपेसिटी देखता हूं। फोर्थ टाइप का बियरिंग कैपेसिटी मैं यहां पर देख रहा हूं। फोर्थ टाइप का बियरिंग कैपेसिटी क्या देख रहा हूं मैं, उसका नाम है भाई, जैसे मेरे पास ग्रॉस प्रेशर था, जैसे मेरे पास ग्रॉस प्रेशर था, तो ग्रॉस प्रेशर से मैंने क्या निकाला, नेट प्रेशर निकाला। अब मेरे पास क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। तो यहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, नेट बियरिंग कैपेसिटी। आप लिखिए नेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट बियरिंग कैपेसिटी लिखिए, या फिर आप इसको नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको हम डिनोट करेंगे QNU से। अब ये QNU क्या है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है। जब भी वर्ड आ जाता है नेट, याद रखिएगा, जब भी वर्ड आ जाता है नेट, इसका मतलब ये है कि यहां पर आपको ओवरबर्डन प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। यू डू नॉट नीड टू कंसीडर ओवरबर्डन प्रेशर। तो यहां पर नेट अल्टीमेट क्या हो जाएगा, आपका अल्टीमेट जो आ रहा है, इस अल्टीमेट के अंदर क्या क्या समाया हुआ है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, अप्लाइड लोड और ओवरबर्डन समाया हुआ है। तो ओवरबर्डन मुझे नहीं लेना है, तो इस अल्टीमेट से ओवरबर्डन माइनस कर दो। तो इस अल्टीमेट से मैंने क्या किया, ओवरबर्डन माइनस कर दिया, तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिल चुका है, ये वैल्यू यहाँ पर मुझे नेट अल्टीमेट की मिल गई है। अच्छा, इन सबकी यूनिट क्या रहेगी भाई, ये एक टाइप के प्रेशर है, बियरिंग कैपेसिटीज है, इन सबकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगी। क्या रहेगी वैल्यूज, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो ये हुआ आप लोगों का नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट टाइप का, फिफ्थ टाइप की बियरिंग कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूं, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अब ये क्या चीज है सर, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ये जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है ना, ये जो आपका नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है, आपका जो नेट, जैसे कि टर्म बता रहा है नेट, तो नेट बियरिंग कैपेसिटी ये लिखा हुआ है, उसको सेफ बनाना है भाई। आपकी जो नेट बियरिंग कैपेसिटी थी ना, इसको मुझे नेट सेफ में कन्वर्ट करना है, मतलब इस बियरिंग कैपेसिटी को मुझे सेफ बनाना है। तो एक काम करो, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, तो आपका नेट बियरिंग कैपेसिटी से नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने नेट सेफ को हम किससे डिनोट करेंगे, QNS से डिनोट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसको, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, नेट अल्टीमेट, जो कि मैं यहां से निकाला था नेट अल्टीमेट, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमने यहां पर डिवाइड कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी में कन्वर्ट हो गया। इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, ऑफ कोर्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, यहां तक की अपनी बात, यस सर, यहां तक की पूरी बात हमें क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ ये हो गया। सिक्स्थ बियरिंग कैपेसिटी जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सिक्स्थ बियरिंग कैपेसिटी मैं आपको बता रहा हूं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी को हम यहां पर QS से डिनोट कर सकते हैं, QS, और नेट सेफ को यहां पर अपन QNS से डिनोट कर सकते हैं, ओके? अब यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, सेफ बियरिंग कैपेसिटी में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी QU, इस QU को नेट अल्टीमेट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने सिग्मा बार को क्या किया, माइनस किया, ओवरबर्डन प्रेशर। ये ओवरबर्डन प्रेशर की वैल्यू कितनी हो सकती है, गामा डीएफ हो सकती है, जब वाटर टेबल ना हो। ये सिग्मा बार की वैल्यू कितनी हो सकती है, इस सिग्मा बार की वैल्यू इफेक्टिव स्ट्रेस है, तो गामा सबमा डीएफ भी हो सकती है जब वाटर टेबल हो, ऐसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब मुझे अल्टीमेट से नेट अल्टीमेट में जाना था, तो सिग्मा बार मैंने माइनस किया। अब मुझे नेट सेफ से सेफ पर आना है, नेट वर्ड हटाना चाह रहा हूं, पहले मैं नेट वर्ड ऐड करना चाह रहा था तो सिग्मा बार माइनस करना पड़ता था, अब मैं नेट सेफ से सेफ पर आना चाहता हूं, तो यहां पर सिग्मा बार क्या करना पड़ेगा, यहां पर सिग्मा बार मेरे को नेट हटाना है, तो सिग्मा बार मुझे यहां पर ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई, पहले अल्टीमेट से नेट अल्टीमेट पर जाना था तो सिग्मा बार माइनस किया, अब नेट सेफ से सेफ पर आना है तो सिग्मा बार ऐड कर दो, तो नेट वाला टर्म हट जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर नेट सेफ से सेफ बनाया,
तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, आपने जो यहाँ से नेट सेफ निकाल रखा था, इस नेट सेफ के अंदर आप ओवरबर्डन प्रेशर ऐड कर दो, यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए क्या है पिक्चर, पिक्चर ये है कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू एस विल बी इक्वल टू नेट सेफ। क्या होता है नेट सेफ आपका, होता है अभी मैं आपको पढ़ाया कि नेट अल्टीमेट को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो, यही आपका नेट सेफ है। और ये जो ओवरबर्डन था सिग्मा बार, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखो नेट सेफ की जगह मैंने नेट अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसा लिख दिया यहाँ पर। अब मैं बोल रहा हूँ क्यू एस इक्वल टू, ये नेट अल्टीमेट को क्या लिख सकते हैं, ये नेट अल्टीमेट कहाँ से आया, आपका जो अल्टीमेट था उसमें से सिग्मा बार मैंने माइनस किया था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ कि आपका जो भी अल्टीमेट होगा उसमें से सिग्मा बार आप माइनस कर दीजिए, डिवाइड में फैक्टर ऑफ कर दीजिए, प्लस सिग्मा बार कर दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पर ये चीज आ गया। तो ये मेरा एक फॉर्मूला आ चुका है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने का, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे आपका आरआरबी एग्जाम हो, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोटा मोटा एक दो मार्क के लिए पूछ ही लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। एक बात यहाँ पर नोटिस करना चाहिए, ये 6 टाइप की बेयरिंग कैपेसिटी मैं आपको बताया, मैं क्यों आपको घुमा घुमा के पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्यों आप लोगों को, पहले मैं आपको अल्टीमेट निकालना सिखाया, फिर मैंने अल्टीमेट से नेट अल्टीमेट निकाला, नेट अल्टीमेट से नेट सेफ निकाला, नेट सेफ से वापस सेफ निकाला, जब वापस आना ही था आपको, तो इतना माथापच्ची क्यों की, डायरेक्टली अल्टीमेट में ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते। जब आपको सेफ बनाना ही था, हम करना क्या चाहते हैं, हम हमारी बियरिंग कैपेसिटी को सेफ बनाना चाहते हैं। मेरी बात को समझिएगा, वो पॉइंट को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितना निकला, यहाँ पर मेरे पास जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी मिला वो मिला मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकला वो 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आप 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाइए आपकी सॉइल पर, बेस ऑफ द फुटिंग में, आपका सॉइल सेफ रहेगा, शियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ाया, 501 किया, तो सॉइल वहां पर क्या हो जाएगी, शियर हो जाएगी। बात समझ में आ गई थी, ये है आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। मैं बोल रहा हूं कि यार 500 तो हम कभी भी नहीं लगाएंगे, हम 500 से कम ही लगाएंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओ। तो मैंने कहा कि भैया हम दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना चाहते हैं, दो। तो मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर अल्टीमेट कैपेसिटी इसको सेफ में कन्वर्ट कर लो, हम इसको सेफ बनाना चाहते हैं, इसको हम क्या करना चाहते हैं, सेफ बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, 500 डिवाइड बाय 2 कर दिया, 2 क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब अब मैं कितना लगा सकता हूँ, 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगा सकता हूँ, इसका यही मीनिंग होता है। यदि आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच मानी जाएगी। क्यों सर, क्योंकि अब मेरी बात को सुनना, या आप यदि ऐसी अप्रोच लगा रहे हैं कि डायरेक्टली आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप एक गलत तरीका अपना रहे हैं। क्यों सर, क्या कारण है इसके पीछे, उसको समझिएगा। मैंने यहां पर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में डायरेक्टली फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां से आया, ये 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया पहला अप्लाइड लोड के कारण, दूसरा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण, और तीसरा ओवरबर्डन प्रेशर के कारण। ओवरबर्डन प्रेशर के कारण आप अप्लाइड लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण जो प्रेशर आ रहा है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ओवरबर्डन जो प्रेशर है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगा सकते हैं, आप उसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं लगा सकते। से मेरा मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट आप में आके आपको केस कर देगी, आपको जेल में डाल देगी, जरूरत ही नहीं है, ओवरबर्डन प्रेशर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर, जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है, सॉइल का खुद का सेल्फ वेट है ओवरबर्डन प्रेशर, सिग्मा बार गामा डी एफ, सॉइल का खुद का ओवरबर्डन प्रेशर सेल्फ वेट। एक बात बताओ, जब मैं वहां पर फाउंडेशन नहीं बना रहा था तब भी तो वो सॉइल वहां पर मौजूद था,
जब मैं फाउंडेशन नहीं बना रहा था तभी तो वो सॉइल वहां पर मौजूद था क्या? वो सॉइल में कोई डिफॉर्मेशन आ रहे थे क्या? अरे भाई, वो आज से 10 साल पहले से वो सॉइल वहां पर मौजूद है, 20 साल पहले से सॉइल मौजूद है, 100 साल पहले से मौजूद है, 500 ईयर्स से वो सॉइल वहां पर मौजूद है, तब तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। मतलब सॉइल के खुद के सेल्फ वेट के कारण वो तो हिस्ट्री से लग रहे हैं, कई जमानों से वो प्रेशर लगता आ रहा है, तो उसके कारण कोई डिफॉर्मेशन मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। डिफॉर्मेशन किसके कारण देखने को मिल रहा है? अप्लाइड लोड के कारण, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उसके कारण, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग के कारण। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसमें लगाना चाहिए? ये दोनों में लगाना चाहिए, अप्लाइड लोड में लगाना चाहिए, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग में। इनमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने की जरूरत है। ये जो तीसरा कारण है ओवरबर्डन वाला, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत नहीं है। तो यदि आप डायरेक्टली 500 के अंदर, मतलब डायरेक्टली आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे तो वो गलत तरीका है, क्योंकि आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ओवरबर्डन प्रेशर को भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिया, जो कि मैं कभी नहीं चाहता हूं। इसलिए देखो मैं पिक्चर को कैसा घुमाया, कैसा घुमाया मैंने पिक्चर को, कि इस अल्टीमेट में से सबसे पहले मैंने ओवरबर्डन प्रेशर माइनस कर दिया, तो अब मेरे पास यहां पर वास्तविक तौर पर क्या बचा? सिर्फ सिर्फ अप्लाइड लोड और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग बचा, इनके कारण ही प्रेशर बचा। तो अब इतना सा बचा, उसके अंदर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, नेट अल्टीमेट मतलब यही दो चीज बची है ना। अब उसके अंदर मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, अब जो ओवरबर्डन प्रेशर मैंने माइनस किया था वो विदाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं वापस कंसीडर करना चाहता हूं, तो वापस मैंने यहां पर लाके ऐड कर दिया, तो ये मेरा सेफ बियरिंग कैपेसिटी बन गया। इतना प्रेशर आप अपनी फुटिंग पर लगाइए डिजाइन करने के लिए। तो जब मैंने आपको आरसीसी पढ़ाया था, जब मैंने आपको आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ाया था, तब आपको याद होगा हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहां पर लोड डिवाइड में एसबीसी लिखते थे, सेफ बियरिंग कैपेसिटी लिखते थे। तो वो यही है आपका एसबीसी, शॉर्ट नेम SBOC, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। समझ में आ रहा मेरा बात? तो इस तरीके से हम वहां पर प्रोसीड करते थे। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसा प्रोसीड किए। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो इतना आप नोट करेंगे। ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में लिख देता हूं, यूजिंग दिस एसबीसी प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग इज डिजाइंड, है ना, प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग इज डिजाइंड, प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग इज डिजाइंड। क्लियर? तो जरा इतना जल्दी से फोटो ले लेंगे। तो यहां पर अभी तक देखो, एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूं और आपको बता देता हूं कि अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया। अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ा दिया, देखो अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने वो देख लेते हैं। हम लोगों ने फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, मैंने बताया शेलो फाउंडेशन क्या होता है, डी फाउंडेशन क्या होता है। हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया शेलो फाउंडेशन एंड बियरिंग कैपेसिटी। तो शेलो फाउंडेशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आप बियरिंग कैपेसिटी एस्टिमेट करना चाहते हैं तो आपके पास दो क्राइटेरिया हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया और एक दूसरा हो सकता है आपका शियर फेलियर क्राइटेरिया। बराबर, यहाँ तक की बात। इसके बारे में अभी हम आने वाले टाइम में देखने वाले रहेंगे कि शियर फेलियर क्राइटेरिया यदि आप लगाते हैं तो कैसे बियरिंग कैपेसिटी निकलता है, सेटलमेंट फेलियर क्राइटेरिया लगाएंगे तो किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी निकलेगा, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा कि हम कौन कौन से टाइप की बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मैंने आपको ग्रॉस प्रेशर की इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको नेट प्रेशर के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया। नेट वर्ड जब भी आ जाए मतलब आपको वहां पर ओवरबर्डन कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं अभी आपको बता दिया कि हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कई जमानों से, कई ईयर से, बहुत टाइम से लगता हुआ आ रहा है, तो उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत नहीं है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत किसको है? जो अभी अभी लगा है अप्लाइड लोड, जो अभी अभी लगा है सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जरूरत है। बराबर बोल रहा हूँ? अब उसके बाद है ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और मैंने आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, नेट बेयरिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, नेट सेफ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ही आपका वो बेयरिंग कैपेसिटी है जिसका यूज करते हुए आप लोग रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंदर प्लान एरिया ऑफ द फुटिंग डिजाइन करते हैं। ठीक है, जरा इतना सा फोटो ले लेंगे। जिन लोगों को फोटो लेना है फोटो लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, और जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो लोग शेयर करो।
हेलो। हाँ जी, हो गया, लिखना हो गया। एक तो यार तुम लोगों का ना नौटंकी खत्म नहीं हो रहा है अभी भी। जब मैंने बोल दिया कि लाइव पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाऊंगा, जिनको पढ़ना है वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है मत आओ भाई। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ आके? जिनको पढ़ना है वो लोग डेफिनेटली आएंगे, कुछ भी करके आएंगे। मैं और प्लान कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए मैं कल खुद फोटो खींच के डाला टेलीग्राम पर। डाला कि नहीं डाला? डाला ना। क्यों नौटंकीबाजी कर रहे हो? और अच्छा था, कुछ तो हीरो भी बन रहे कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। बेटा अब मैं क्या बोलूँ यार, सर गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, मत पढ़ो। अब जो मैं गलत पढ़ा रहा हूँ ना तो मत पढ़ो यार। क्यों आए हो पढ़ने? मत अपना ज्ञान दो मुझे, मुझे पता है मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता हूँ। मत पढ़ो भाई। मैं किसी के घर पे नहीं आया था इनवाइट करने कि आप आइए और मेरा सेशन ज्वाइन करिए, है ना? मैं किसी के घर पर नहीं आया हूँ इन्वाइट करने। यदि आपको ऐसा लगता है कि अमित झारोला गलत पढ़ाता है, देन यू आर नॉट इनवाइटेड। कल से मत आना ना। एक बार नहीं 10 बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत पढ़ाता हूँ तो कल से मत आना। मैं आपके घर पे नहीं आया था आपको बुलाने के लिए, ठीक है? हालांकि मैं जानता हूँ कि ये फेक आईडी बना के कुछ लोग हवाबाजी करने आ जाते हैं, तो ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए। ठीक है, मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ ये खींच के, है ना? ये वाले बोर्ड की भी मैं भेज रहा हूँ। जल्दी से जिनको वो लेना है वो ले लो, जिनको वो स्क्रीनशॉट लेना है वगैरह ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि हमारे पास क्या रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। ये मैं फोटो शेयर कर दिया हूँ बोर्ड का, दोनों बोर्ड्स का। आगे बढ़ते हैं। सत्यभूषण लिख रहे हैं, जिसको ज्यादा ज्ञान है वो आया ही मत करो भाई। सही है ना? चलो मैं से बोर्ड बोर्ड नंबर 1 रब कर रहा हूँ, जब तक आप लोग लिखने और करने का काम कंप्लीट कर लो। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़े हम लोग।
नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने बताया, जैसे कि हम लोगों ने मैंने आपको जैसे कि बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया, हाँ मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास सेटलमेंट बेस्ड फेलियर हो सकता है, शेयर बेस्ड फेलियर हो सकता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यदि शेयर बेस्ड फेलियर है तो उसमें कितने टाइप के और फर्दर फेलियर हम देख सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। उसको हम फर्दर उस टाइप से डिस्कस करते हैं। तो आइए जल्दी से बेस्ड ऑन शेयर फेलियर क्राइटेरिया हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आइए हम यहाँ पर देखते हैं बेस्ड ऑन शेयर फेलियर क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन शेयर फेलियर क्राइटेरिया आइए हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि तीन टाइप के फेलियर्स बेस्ड ऑन शेयर फेलियर हमें देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका जनरल शेयर फेलियर, दूसरा होता है आपका लोकल शेयर फेलियर, और तीसरा होता है आपका पंचिंग शेयर फेलियर। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ जनरल शेयर फेलियर का, कि जनरल शेयर फेलियर क्या चीज़ है। जनरल शेयर फेलियर यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ है, आइए हम इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा जनरल शेयर फेलियर के बारे में, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो जनरल शेयर फेलियर है, ये जनरल शेयर फेलियर आप लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो जनरल शेयर फेलियर है, ये आपको हाईली डेंस सॉइल में देखने को मिलेगा। जब भी आपके पास हाईली डेंस सॉइल होगी, एक मिनट के लिए ना, अभी नेट ऑफ हुआ है, जस्ट नेट नहीं ऑफ हुआ है, लाइट ऑफ हुई है, तो देखना यदि नेट ऑफ होता है तो जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स, वो वापस से कवर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो चल रही है क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं नेट नहीं गया, चलो ठीक है, क्लास बराबर चल रही है। तो मैं आपको बता रहा था जनरल शेयर फेलियर के बारे में, कि ये जो जनरल शेयर फेलियर, इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना जाइएगा। पहला पॉइंट कि इट ऑकर्स कहाँ पर, ये ऑकर होगा, इट ऑकर्स इन मीडियम टू हाईली डेंस, मीडियम टू हाईली डेंस सॉइल, है ना, उसमें ये हमें फेलियर जनरली देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि ड्यूरिंग फेलियर, जब फेलियर हो रहा है, आप लोड लगाते गए लगाते गए लगाते गए, किसी लोड पर जाके सॉइल शेयर हो रहा है, तो उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग फेलियर, ड्यूरिंग या एट द टाइम ऑफ फेलियर, ऐसा लिखता हूं मैं, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर हमें क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ फेलियर हमें हमें एट द टाइम ऑफ फेलियर क्या मिलेगा, हाई बल्जिंग मिलेगी, एट द टाइम ऑफ फेलियर लार्ज बल्जिंग। अब बल्जिंग का मीनिंग मैं अभी बताता हूं, इसको हीविंग भी बोल सकते हैं, लार्ज बल्जिंग या हीविंग इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एंड वेरी लेस सेटलमेंट इज ऑब्जर्व्ड, वेरी लेस सेटलमेंट इज ऑब्जर्व्ड, बहुत कम सेटलमेंट हमें यहां पर देखने को मिलेगा। क्या मतलब है इन सभी स्टेटमेंट्स का, आइए देखिए। मैंने यहां पर कहा, मैंने यहां एक बात है ना, मैंने यहां पर कहा आप लोगों को कि भैया भैया मैंने आपको कहा कि आपका ग्राउंड सरफेस है, ये आपका क्या है, ग्राउंड सरफेस। यहां पर जो सॉइल है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, यहां पर जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड है, बहुत ज्यादा डेंस है, इवन मैं बोल सकता हूं वेल कंसोलिडेटेड भी है, ओवर कंसोलिडेटेड रही होगी किसी जमाने में, तो ये एकदम हाईली डेंस है, मतलब इसमें वॉइड रेशो क्या है, बहुत कम वॉइड रेशो है। ठीक है, अब यदि इसमें मुझे फूटिंग डालने का मौका मिला, पहली बात तो इस सॉइल में जगह ही नहीं है वॉइड्स की, फिर भी यदि मैंने इसमें फूटिंग डाली लोड लगा लगा कर, तो क्या होगा, यदि मैं इसमें फूटिंग डाल रहा हूं, अब सॉइल हाईली डेंस था, तो सॉइल क्या होगा, यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा,
अरे सॉइल यहां से क्या करेगा, ये सॉइल यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसी को बोलते हैं बल्जिंग। जब भी सॉइल डेंस है और उसमें आप यदि फूटिंग डाल रहे हैं तो आसपास का सॉइल बाहर निकल कर आता है, स्वेल होता है, उसको हम कहते हैं बल्जिंग होना। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर आप लोड लगाते गए लगाते गए लगाते गए, फुटिंग को अंदर घुसाते गए घुसाते गए घुसाते गए, एट द टाइम ऑफ फेलियर आपको लार्ज बल्जिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि सेटलमेंट तो देखने को ही नहीं मिलेगा, या फिर वेरी लेस सेटलमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल में वॉइड रेशो तो है ही नहीं, बहुत कम है। मेरे कहने का मतलब वॉइड रेशो तो रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी वेल कंपैक्टेड है, ऑलरेडी वेल डेंस है, ऑलरेडी वेल कंसोलिडेटेड है, समझ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर ये जो फेलियर मुझे देखने को मिल रहा है कि सॉइल की बल्जिंग हो गई, उसको हम कह रहे हैं यहां पर शियर फेलियर। सॉइल यहां पर क्या कर जाएगा, इसके नीचे का सॉइल सडनली शियर कर सकता है, तो वो है हमारा शियर फेलियर, या इसको हम कहेंगे जनरल शियर फेलियर। इसमें एक बात और नोटिस करिएगा, ये तीनों स्टेटमेंट्स मुझे समझ में आ चुके हैं, ये तीनों, इसी को हम हीविंग भी बोलेंगे, यहाँ का सॉइल का बाहर निकल जाना इज नोन एज हीविंग या बल्जिंग। इसमें एक पॉइंट में और ऐड कर रहा हूँ, वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है फेलियर सरफेस रीचेस टू द ग्राउंड सरफेस, फेलियर सरफेस प्रोपागेट्स प्रोपागेट्स टू द ग्राउंड सरफेस, टू द ग्राउंड सरफेस। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब यहां पर ये होता है कि मुझे मान लेने दीजिए मैंने यहां पर एक शेलो फाउंडेशन बनाया, जैसे कि मैं कहूं मेरे पास क्या है, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास इस तरीके से एक ग्राउंड सरफेस है, और इस ग्राउंड सरफेस में हमने क्या बना रखा है, एक फुटिंग बनाया हमने, कैसा फुटिंग है, शेलो फुटिंग है या शेलो फाउंडेशन है, क्लियर। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि आपका जो फेलियर सरफेस है इट प्रोपेगेट्स टू द ग्राउंड सरफेस, फेलियर सरफेस कहां से मिलना चालू होता है, ग्राउंड सरफेस से फेलियर सरफेस मिलना चालू होता है, तो ये इस तरीके से आता है, ये पहले लीनियर होता है ना, इस तरीके से कुछ हद तक ये पहले क्या होता है, लीनियर होता है यहां से लेकर यहां तक, और उसके बाद ये फेल होकर, जैसे ये वाली लाइन आ रही है फेलियर सरफेस की, तो यहां से ये प्रोपेगेट होकर ग्राउंड सरफेस पर चले जाएगी, यहां से ये प्रोपेगेट होकर ग्राउंड सरफेस पर चले जाएगी। तो आप यदि लोड को लगाना कंटिन्यू रखते हैं, पहले तो आपको इतना सा जोन मिलता है फेलियर का, पहले तो आपको ये ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, इतना सा जोन मिलता है, लेकिन लोड लगाना यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो ये फेलियर सरफेस धीरे धीरे प्रोपागेट होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ग्राउंड सरफेस तक पहुंच जाती है। इतना इजीली सर ये ग्राउंड सरफेस तक क्यों पहुंच गया, क्योंकि भैया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कम था ना। अरे यहाँ पर ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, कम, क्योंकि हम ये किस में पढ़ रहे हैं, पूरा शेलो फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका फेलियर सरफेस ग्राउंड पर आ जाता है। आपको कई बार ग्राउंड पर ऐसे क्रैक्स फुटिंग के चारों तरफ देखने को भी मिल सकते हैं, वो इसका मतलब ये है कि फेलियर सरफेस ग्राउंड पर आ चुका है। क्या मैं ये देख सकता हूँ, बिल्कुल देख सकते हैं, 101% देख सकते हैं, जहां भी ये फेलियर हो रहा होगा, जहां भी ये फेलियर हो रहा होगा उस ग्राउंड के चारों तरफ सॉइल में हल्के हल्के से ऐसे क्रैक्स देखने के, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि फेलियर सरफेस ऊपर आ चुका है, ग्राउंड सरफेस तक पहुंच चुका है, ऐसा मुझे देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, तो ये है आपका जनरल शियर फेलियर कि इसमें ग्राउंड सरफेस तक आ जाता है। अच्छा आपको इस जगह पर क्या देखने को मिलेगा, हीविंग, इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, यहाँ की सॉइल उठ के बाहर आ गई, हीविंग, इसको अपन क्या बोल देते हैं, हीविंग, हीविंग बोले तो बल्जिंग, इसको आप बल्जिंग बोल सकते हैं, या इसके ब्रेकेट में आप इसको हीविंग भी बोल सकते हैं, तो यहां पर हीविंग लिख देता हूं, बोथ आर सेम चीज, हीविंग बोलो या बल्जिंग बोलो, बोथ आर सेम, ओके। तो ये था मेरा जनरल शेयर फेलियर। तो मैंने कहा आपको कि मीडियम टू हाई डेंस सॉइल में देखने को मिलता है, कौन से सॉइल में देखने को मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है उन सॉइल्स में जहां पर आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 36 डिग्री जा रहा हो, वहां पर ये आपको देखने को मिल सकता है, ये आपको उन सॉइल्स में देखने को मिल सकता है जहां पर आपका डेंसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 70% हो, वहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो ऐसी सॉइल्स आपकी हाईली डेंस सॉइल की कैटेगरी में आएगी और वहां पर हम इसको इजीली देख पाएंगे। आपका वॉइड रेशो जहां पर 0.5 से छोटा आ रहा हो वहां पर भी आपको जनरल शेयर फेल देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये फिक्स पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्लियर। तो ये था आपका जनरल शेयर फेलियर। तो जब भी मेरे पास फुटिंग मुझे बनाना है, और जब भी मुझे फुटिंग बनाना है और मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मेरी सॉइल एक हाईली डेंस जगह पर पहुंच
मौजूद है तो फिर मैं वहां पर क्या कर दूंगा, फिर मैं वहां पर हाईली डेंस यदि मौजूद है ना, यदि हाईली डेंस सॉइल है और वहां पर यदि मौजूद है तो फिर आप लोग बकायदा वहां पर जनरल शेयर फेलियर देखेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहां तक कि हमें पूरा क्लियर हो चुका है। आइए अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोग इसका फोटो ले लीजिए, मैं जब तक बोर्ड नंबर 2 को रब कर देता हूँ। ओके, बोर्ड नंबर 2 को रब कर देता हूँ। चलिए, आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट टाइप का जो मेरे पास फेलियर है उसका नाम है लोकल शेयर फेलियर। इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर, है ना, इसको मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर जनरल शेयर फेलियर। नेक्स्ट जो मेरे पास है उसका नाम है लोकल शेयर फेलियर। हटा लूँ क्या मैं? ठीक है, आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, है ना। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ और वो है आप लोगों का लोकल शेयर फेलियर। लोकल शेयर फेलियर, है ना। लोकल शेयर फेलियर की यदि हम बात कर रहे हैं, लोकल शेयर फेलियर की हम लोग यदि बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी सॉइल में ऑकर होगा। तो लोकल शेयर फेलियर लूज सॉइल में ऑकर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि इट ऑकर्स इन लूज टू, है ना, इट ऑकर्स इन लूज टू मीडियम डेंस सॉइल। मीडियम डेंस सॉइल में ही हमें ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमें एट द टाइम ऑफ फेलियर लार्ज सेटलमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन बल्जिंग देखने को नहीं मिलेगी या बहुत कम बल्जिंग देखने को मिलेगी। ये जनरल शेयर फेलियर का जब जस्ट अपोजिट कंडीशन शो कर रहा है। जनरल शेयर फेलियर में क्या हो रहा था कि मेरे पास लार्ज बल्जिंग हो रहा था और लेस सेटलमेंट आ रहा था, क्योंकि सॉइल जो थी वो हाईली डेंस थी। यहाँ पर सॉइल क्या है? लूज है, या मीडियम डेंस है ऐसा मैं कह सकता हूँ, या लूज है ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा होगा? ऐसी कंडीशन में ये हो रहा होगा कि भैया आपको लार्ज सेटलमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉइल लूज है, आप लोड लगा रहे हैं तो सेटलमेंट आ रहा है कंटिन्यूअसली। लेकिन सेटलमेंट यदि आ रहा है तो सॉइल सेटल हो रही है, तो फिर हीविंग कहाँ से होगा, बल्जिंग कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एट द टाइम ऑफ फेलियर, अपन ने यहाँ पर लिखा क्या लिखा, एट द टाइम ऑफ फेलियर एट दी टाइम ऑफ फेलियर लार्ज सेटलमेंट इज ऑब्जर्व, है ना, लार्ज सेटलमेंट इज ऑब्जर्व। थर्ड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट में लिख रहा हूं नो बल्जिंग बोल दूं या फिर बोल दूं और वेरी लेस बल्जिंग इज ऑब्जर्व। क्लियर है यहां तक की बात? नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं कि आपका जो वो है कौन, फेलियर सरफेस, वो ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है। यहां पर फेलियर सरफेस डज नॉट रीच टू दी ग्राउंड सरफेस, है ना। फेलियर सरफेस डज नॉट रीच टू दी ग्राउंड सरफेस। यहां तक की बात क्लियर है? अब मीनिंग क्या है मेरा बोलने का मीनिंग यह है कि भैया जैसे कि मैंने आपको कहा, यह हमारे पास क्या है, यह आपके पास एक शेलो फाउंडेशन है। यह हमने यहाँ पर एक शेलो फाउंडेशन बनाया,
हमने क्या किया, एक शेलो फाउंडेशन यहाँ पर हमने बनाया। मैं मान लेता हूँ ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से ग्राउंड सरफेस रहा होगा, बराबर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फेलियर सरफेस है वो ग्राउंड सरफेस तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता है वो भी मैं बताता हूँ। ये आपका फेलियर सरफेस आया, ये फेलियर सरफेस आया इधर से, इसने ऊपर तक पहुँचने की कोशिश की, नहीं पहुँच पाया। इसने इधर से ऊपर तक पहुँचने की कोशिश की, नहीं पहुँच पाया। क्यों? क्योंकि भाई कंटिन्यूअसली आपका फूटिंग का क्या हो रहा है, सेटलमेंट। सो द फेलियर सरफेस इज नॉट रीचिंग टू द ग्राउंड सरफेस। वहां पर क्या हो रहा था, जनरल शेयर फेलियर में सेटलमेंट नहीं आ रहा था, फिर भी लोड कंटिन्यू था तो फेलियर सरफेस ऊपर तक पहुंच गया। यहां पर भी लोड कंटिन्यू है, सेटलमेंट होता जा रहा है क्योंकि सॉइल लूज थी, सेटलमेंट होता जा रहा है, तो फेलियर सरफेस ऊपर तक आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि फुटिंग नीचे जाती जा रही है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस कारण से चूंकि सॉइल का यहाँ पर कंटिन्यूसली सेटलमेंट हो रहा है, वॉइड्स बहुत ज्यादा थे, सॉइल लूज थी, तो यहाँ पर हमें बल्जिंग देखने को नहीं मिलेगी। और यदि मिल भी रही है तो एकदम लेस बल्जिंग मिलेगा, एकदम नहीं के बराबर, है ना, बहुत कम बल्जिंग मिल रहा है, नहीं के बराबर। तो आप लिख सकते हैं नो बल्जिंग और वेरी लेस बल्जिंग। यहाँ पर मैंने लिख दिया नो बल्जिंग और लेस बल्जिंग, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है मेरी यहाँ तक की बात? यस सर, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये कौन से टाइप के सॉइल्स में हमें देखने को मिल सकता है? तो हम इसको कह सकते हैं कि जब आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन लेस देन 28 डिग्री आ जाए एंड डेंसिटी इंडेक्स, ये मैं आपको पढ़ाया था डेंसिटी इंडेक्स शुरुआत के लेक्चर्स में, जब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रहा था, तब हमने आपको कहा था डेंसिटी इंडेक्स के बारे में कि डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये मैं आपको पढ़ाया था। तो डेंसिटी इंडेक्स को हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। जब डेंसिटी इंडेक्स लेस देन 20% के आसपास आ जाए तब हमारे पास लोकल शेयर फेलियर हमें हमारी सॉइल में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लोकल शेयर फेलियर की बात हुई। एक बात मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और वो मैं ये बोल रहा हूँ, लेट, यहाँ पर मैंने आपको एक बात लिखवाई, लेट सी एंड फाई आर दी, या सी डैश लिख देता हूँ, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। सी का मतलब होता है कोहेजन, फाई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इसका एक और नाम है क्या, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो मैं आपको बता रहा था सी डैश और फाई डैश आर दी इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, किस केस में, जनरल शेयर फेलियर में। तो लेट सी डैश एंड फाई डैश आर दी, है ना, आर दी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन जनरल शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर, देन, है ना, जनरल शेयर फेलियर। हमने क्या कहा, हमने मान लिया कि सी डैश और फाई डैश ये क्या है आपके शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर से, जनरल शेयर फेलियर में। लोकल शेयर फेलियर में इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो मैं बोल रहा हूँ लोकल शेयर फेलियर में ये वैल्यूज थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि सॉइल लूज होती है लोकल शेयर फेलियर में, तो हम इसको वैल्यूज को रिड्यूस करेंगे। तो लेट सी डैश एंड फाई डैश आर द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन जनरल शेयर फेलियर, देन सी एल मतलब लोकल शेयर फेलियर के अंदर इफेक्टिव कोहेजन, एंड आपका जो फाई लोकल का होगा, लोकल शेयर फेलियर में फाई डैश आर दी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन लोकल शेयर फेलियर, आर दी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, आर दी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन लोकल शेयर फेलियर, है ना, आर दी, है ना, देन सी डैश एंड फाई डैश आर दी एल एल आर दी शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन लोकल शेयर फेलियर। तो एक जनरल शेयर फेलियर में, एक लोकल शेयर फेलियर में, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, क्या कोई डिफरेंस रहेगा? डेफिनेटली, बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, और डिफरेंस ये रहेगा कि ये वैल्यूज बड़ी रहेगी जनरल शेयर फेलियर में, क्योंकि सॉइल डेंस थी, कैपेसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर ये क्या रहेगी, इनकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि लोकल शेयर फेलियर का यदि आप कोहेजन की बात करें तो ये आपका लेना होगा आपको 2/3 ऑफ जनरल शेयर फेलियर एंड
एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की यदि हम बात करें तो 10 फाई डैश ऑफ लोकल शियर फेलियर विल बी टेकन एज 2/3 ऑफ फाई डैश ऑफ जनरल शियर फेलियर। तो देखो सी डैश और फाई डैश ये जनरल शियर फेलियर में है, यहाँ पर 10 फाई डैश आएगा, है ना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सी डैश और फाई डैश आपके किस में है, जनरल शियर फेलियर में, और सी डैश एल और फाई डैश एल किस में है, लोकल शियर फेलियर में। तो इसका 2/3 लेंगे तब ये लोकल में कन्वर्ट होगा, फाई डैश का 2/3 लेंगे 10 फाई डैश का तब ये लोकल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर गलती कहाँ पर होती है, अक्सर बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, वो लोग इसको तो सही लिखते हैं सी डैश एल इक्वल टू 2/3 ऑफ सी डैश ऑफ जनरल शेयर फेलियर, ये तो सही लिखते हैं, फाई को लिखने में गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि फाई डैश एल वो इसको भी ऐसे लिख देते हैं 2/3 ऑफ फाई डैश, ये गलती कर देते हैं वो लोग। अरे भाई फाई लोकल शेयर फेलियर इज नॉट डायरेक्टली 2/3 ऑफ फाई डैश, 10 भी आपको यूज करना है, 10 फाई डैश एल इक्वल टू 2/3 ऑफ 10 फाई डैश, तो आपको ये 10 का भी यूज करना है, डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, तो इस गलती से हम लोगों को बचना होगा, इस गलती से हम लोगों को बचना होगा। समझ रहे मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका लोकल शेयर फेलियर, जरा इतना नोट करेंगे फुर्ती से सभी लोग इसको नोट करेंगे। हो गया, आप जो लोग इसकी फोटो लेना चाहें जल्दी से फोटो ले लीजिए, है ना, जो लोग फोटो लेना चाहें जल्दी से फोटो ले लीजिए। तो देखो मैं अभी तक आपको क्या बताया, मैं आपको यहाँ पर लोकल शेयर फेलियर के बारे में बताया, एक बार मैं कैमरा घुमा देता हूँ, है ना, मैं एक बार कैमरा घुमा के बता देता हूँ। मैं आपको बेस्ड ऑन शेयर फेलियर क्राइटेरिया पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको जनरल शेयर फेलियर के बारे में आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, है ना। इसके बाद है ना, इसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पर किसकी इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको यहाँ पर लोकल शेयर फेलियर के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो आप जनरल शेयर फेलियर का तो मैं फोटो भेज दिया हूँ आपको, मैं लोकल शेयर फेलियर का भी फोटो मैं आपको खींच के टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नोट्स बाद में बनाते हैं उनके लिए ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पर कर रहा हूँ। देखो यार ऐसा है कि तुम लोग ना कभी कभी गुस्सा दिला देते हो, हालांकि मेरे को गुस्सा आता नहीं है, लेकिन 2 मिनट जितना जल्दी गर्म होता हूँ उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता हूँ, लेकिन ना कभी कभी अब कुछ बच्चे अपनी लिमिट भूल जाते हैं, है ना। यूट्यूब पे कुछ भी कमेंट किया जा सकता है, हालांकि मैं जानता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा, वो सब कॉम्पिटिटर लोग होते हैं, इधर उधर से आते हैं अपना फालतू की बातें करने के लिए। कोई भी स्टूडेंट ऐसा कमेंट नहीं करता है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, फालतू की बातें है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। मैं फ़ोटो खींच खींच के भेज रहा हूँ टेलीग्राम पर, जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अभी वो लोग बाद में लाइव फॉर्म में देख पाएंगे। क्या बात है, मेरे से पहले ही बच्चे भेज देते हैं, बहुत बढ़िया यार। देखो ये एक बच्चा भेजा है, क्या नाम है इसका, नोट्स वो भी तो बना ही रहा है ना, ओंकार नाम का एक स्टूडेंट है, उसने मेरे टेलीग्राम पर भेज रखा है, ओंकार नाम के एक स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे टेलीग्राम पर, उन्होंने जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ बाकायदा कितने सफाई से, एकदम सफाई से वो बाकायदा नोट करके उन्होंने भेज दिया टेलीग्राम पर, मैंने भी अपने बोर्ड की फ़ोटो भेज दी है। तो यार सभी तो अवेलेबल हो रहा है ना, थोड़ा सा अब यार मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, तो ऐसा मत करा करो यार, दिल दुखाने वाली बातें मत करा करो। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ से आपको क्या दे सकूँ, कहाँ से क्या करवा सकूँ। अभी अभी मैं बहुत ही जल्दी एक नया फेस आप लोगों के सामने और लेकर आऊँगा, बहुत ही जल्दी,
है ना, जहाँ पर और भी अच्छे अपन लोग बात करेंगे, है ना। मैं आप लोगों का वो सब करवाता हूँ, मैं दिन भर आप लोगों के लिए प्लानिंग करता हूँ, आप उल्टी सीधी चीज़ें यहाँ पर हरकतें करते हो, अच्छा लगता है क्या यार? ऐसा नहीं करना है। चलो जल्दी से वो जो लोकल शेयर फेलियर बचा है अपना, लोकल शेयर फेलियर हो गया, इसकी फोटो ले ली क्या? मैंने भेज दिया है, आप लोग भी फोटो ले लीजिएगा, है ना, फोटो आप लोग इसका ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जरा बोर्ड नंबर 1 को रब कर देता हूँ, और लूज जो हमारा वो बच रहा है, क्या बच रहा है, पंचिंग शेयर फेलियर, उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो पंचिंग शेयर फेलियर जो है वो स्ट्रक्चर में भी ऑकर होता है ना। हालांकि अभी फिलहाल में अपन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो फेलियर है ये कहाँ पर ऑकर होता है, स्ट्रक्चर में भी ऑकर होता है, पंचिंग हो जाना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊँ, नेक्स्ट हमारा जो है मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, इधर देखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फेलियर है वो फेलियर है हमारे पास पंचिंग शेयर फेलियर, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसके बारे में भी, पंचिंग शेयर फेलियर के बारे में। ये पंचिंग शेयर फेलियर क्या चीज़ है, पंचिंग शेयर फेलियर क्या चीज़ है, आइए हम इसको समझ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आज का। तो पंचिंग शेयर फेलियर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इट ऑकर्स इन वेरी लूज सॉइल, क्या लिख रहा हूँ मैं, इट ऑकर्स इन वेरी वेरी लूज सॉइल, है ना, वेरी लूज सॉइल यदि हमारे पास है, लूज सैंड यदि जनरली है तो उसमें ये ऑकर हो सकता है ना। यहाँ पर लार्ज, वेरी लार्ज सेटलमेंट इज, वेरी लार्ज सेटलमेंट इज ऑब्जर्व्ड एट नियर द एजेस ऑफ द फुटिंग, है ना, या एट द एजेस ऑफ द फुटिंग, एट द एजेस ऑफ द फुटिंग। ये जो आपका पंचिंग शेयर फेलियर है, डेफिनेटली इसमें भी ग्राउंड सरफेस तक नहीं जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप समझदार हैं, जब सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फेलियर सरफेस ग्राउंड सरफेस तक नहीं जा सकती। फेलियर सरफेस ग्राउंड लेवल तक तभी जाती है जब सेटलमेंट कम हो रहा हो, यहाँ पर सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है तो फेलियर सरफेस विल नॉट रीच टू द ग्राउंड लेवल, एक बात। दूसरी बात मैं बता रहा था कि ये जो पंचिंग शेयर फेलियर है ये सिर्फ शेलोई फाउंडेशन में ऑकर नहीं होता है, ये डीप फाउंडेशन में भी ऑकर होता है। सो इट ऑकर्स इन डीप एंड शेलो बोथ, इट ऑकर्स इन डीप एंड शेलो बोथ फाउंडेशंस, ठीक है, डीप एंड शेलो बोथ फाउंडेशंस में हमारे पास ये देखने को मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको तीनों के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व का। यहाँ पर मैंने कहा देखो पंचिंग शेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल में ही ऑकर नहीं होता, स्ट्रक्चर के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं अपन, मैं आरसीसी में भी बताया था शायद द क्रेश कोर्स के दौरान, यदि नहीं बताया हो तो अभी देख लो। जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे पास ये स्लैब है, घर का छत स्लैब, और ये क्या है, मेरे पास कॉलम है, इस तरीके से। तो जब स्लैब बहुत ज़्यादा थिक हो, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो, और जो लोड लेने वाला कॉलम है इसकी थिकनेस बहुत कम हो, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये कॉलम यहाँ से ऐसा पंच करते हुए ऊपर बाहर निकल जाएगा, मतलब स्लैब कहाँ आ चुकी है, नीचे आ चुकी है। भाई कॉलम बाहर कब निकलेगा, जब स्लैब नीचे आ गई, क्योंकि स्लैब की थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, लोड बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉलम ने इसको पंच कर दिया, तो इतने से जगह में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से स्लैब नीचे आके गिर गई है। इसको हम कहते हैं पंचिंग फेलियर इन स्लैब। ये पंचिंग फेलियर फुटिंग में भी ऑकर होता है। फुटिंग में कब ऑकर होगा, जब आप फुटिंग में सफिशिएंट थिकनेस नहीं रखेंगे तब। जैसे मैं कह रहा हूँ ये मेरे फुटिंग है, आप देखिए फुटिंग में मैंने एकदम कम थिकनेस रखा है, एकदम कम थिकनेस रखा है। ऐसी कंडीशन में इसके ऊपर यदि आपने कॉलम रखा और कॉलम
का वेट बहुत ज्यादा है, कॉलम से बहुत ज्यादा लोड आ रहे हैं, कॉलम का क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन फुटिंग की थिकनेस एकदम कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये इसको ऐसा पंच करेगा और ये नीचे घुस जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो कॉलम बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है, तो फुटिंग के आसपास का थोड़ा सा एरिया क्या हो गया, एकदम पंच हो गया हाई लोड से और वो नीचे आ गया, कब, जब फुटिंग की थिकनेस कम हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कंडीशन बन रही थी। क्या कंडीशन बन रही थी कि भैया यहाँ पर लोड जो थे वो ज्यादा आ रहे थे लेकिन सॉइल क्या थी, एकदम लूज थी, तो कंटिन्यूसली सेटलमेंट हमें देखने को मिला हमारी फुटिंग में। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना के बताऊँ, जैसे डीप फाउंडेशन में भी ये ऑकर होता है, तो जैसे कि मैं कह दूं कि ये इस टाइप का मेरे पास कोई फाउंडेशन वर्क रहा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से यदि हम इसमें कंटिन्यूअसली देखें तो यहाँ पर इसके एजेस पर, ये पूरे एजेस पर एकदम कंटिन्यूअसली हमें क्या हो जाएगा, लार्ज सेटलमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा सेटलमेंट जो कंटिन्यूअसली नीचे के नीचे के नीचे जा रहा होगा, है ना। फेलियर सरफेस ऊपर तो कभी आएगी ही नहीं, केवल वहीं के वहीं थोड़ी सी रहेगी। ठीक है, तो वहां पर ये हमें देखने को मिलेगा। अब तीनों में यदि कंपेरेटिव स्टडी में देखूं, मतलब लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व के टर्म में, तो यहाँ पर सबसे कम सेटलमेंट किस में मिलेगा, जनरल शेयर फेलियर में, और लोड लेने की क्षमता भी जनरल शेयर फेलियर में सॉइल की ज्यादा होगी। उसके बाद लोकल शेयर फेलियर, उसके बाद लास्ट में पंचिंग शेयर फेलियर। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर अपन लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व देखते हैं। यहाँ पर मैंने ले रखा है लोड, अब ये लोड इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिया जा सकता है, ये जो लोड है इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिया जा सकता है, आपको एरिया फुटिंग से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ले रखा है आपका सेटलमेंट, यहाँ पर हमने क्या ले रखा, आपका सेटलमेंट ले रखा होगा, सॉरी इधर की तरफ सेटलमेंट इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर लोड इधर की तरफ बढ़ रहा है, सेटलमेंट इधर की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं कर्व यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जनरल शेयर फेलियर का, तो ये कर्व ऐसा बनेगा, ये लोड बढ़ाते गए सेटलमेंट बढ़ाते गया, आपको सडन लार्ज सेटलमेंट देखने को मिल गया। तो जहां पर आपको सडन लार्ज सेटलमेंट देखने को मिला, सॉइल यहाँ पर शेयर हो चुकी है, तो आप देखो आपने बहुत ज्यादा लोड ले लिया और सेटलमेंट भी आपका क्या रहा, एकदम कम रहा। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पंचिंग शेयर फेलियर, दूसरा हमें मिलेगा लोकल शेयर फेलियर के लिए, लोकल शेयर फेलियर के लिए आपको ऐसा मिलेगा, मतलब कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव कर्व हमें लोकल शेयर फेलियर में मिलेगा। ठीक है, और तीसरा हमें यहाँ पर मिलेगा पंचिंग शेयर फेलियर में इस तरीके से। तो आप तीनों कर्व को ध्यान से देखिए, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, ये क्या है आपका जनरल शेयर फेलियर है, यह आपका जनरल शेयर फेलियर, ठीक है, यह है आप लोगों का लोकल शेयर फेलियर, और यह है आप लोगों का पंचिंग शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर के अंदर आपका ये कंडीशन है। समझ में आ रही मेरी इतनी सी बात, यह सब समझ में आ रही है। बात आती है ये जनरल शेयर फेलियर कौन सी सॉइल में देखने को मिलेगा, हाईली डेंस सॉइल, हो सकता है वो आपकी क्या रहे, डेंस सैंड रहे, या फिर आप लिख सकते हैं ओसीसी सॉइल यदि आपके पास हो, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल। मैं पढ़ाया था आपको ओसीसी सॉइल चैप्टर नंबर 3, जहां पर मैं आपको कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाया था, कंसोलिडेशन पढ़ाया था, वहां पर मैंने ओसीसी सॉइल नाम का एक टर्म पढ़ाया था, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल, जो पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस ले चुकी हो लेकिन प्रेजेंट में कम स्ट्रेसेस ले रही हो। लोकल शेयर फेलियर के बारे में यदि मैं बात करूं, तो लोकल शेयर फेलियर कहां पर देखा जा सकता है, लूज सॉइल में, या मैं इसको लिख सकता हूँ लूज सेंड में आपको देख सकते हैं, या फिर आप लोग एनसीसी सॉइल नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले सॉइल में भी ये लोकल शेयर फेलियर आप देख सकते हैं, और जो पंचिंग शेयर फेलियर है ये वेरी लूज या सॉफ्ट में आप देख सकते हैं, वेरी लूज हो या फिर एकदम सॉफ्ट सॉइल हो, तो वहां पर हमें ये टाइप का फेलियर देखने को मिल सकता है, पंचिंग शेयर फेलियर। समझ में आ गया, तो ये तीन टाइप के फेलियर है। तो यहाँ पर तीनों में कंपेरिजन क्या है कि भैया यहाँ पर देखो लोड, ये जो जनरल शेयर फेलियर है लोड कितना ज्यादा ले रहा है और सेटलमेंट कितना कम दिया, उसके बाद तो ये शेयर हो गया, ये आपका क्या कर रहा है, लोड भी ले रहा है और सेटलमेंट भी बहुत दे रहा है। लेकिन यदि इसकी बात करें तो ये लोड, लोड की वैल्यू एकदम कम है, यहाँ पर अपने लोड ले रखा है ना, लोड की वैल्यू एकदम कम है लेकिन सेटलमेंट ये बहुत ज्यादा दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको है ना क्लियर फेलियर ऑब्जर्व होता है। एक बात मैं और बता रहा हूँ कि आपको जो इन तीनों में क्लियर फेलियर कहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है, कि सॉइल कहाँ जाके फेल हो गई, ये क्लियर फेलियर कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है, जनरल शेयर फेलियर में, क्योंकि कर्व ने सडनली क्या दे दिया, लार्ज सेटलमेंट दे दिया, तो ये आपका इस जगह पर आकर लगभग इस जगह पर आपके आपकी सॉइल शेयर हो गई, तो ये इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको अल्टीमेट पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको मिल सकती है।
लेकिन यदि मैं बात करूं लोकल शेयर फेलियर की या पंचिंग शेयर फेलियर की, तो यहाँ पर क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं है। यहाँ पर जैसे शार्प पॉइंट हमें मिल जाता है, वैसे यहाँ पर कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं मिल रहा है, यहाँ भी कोई शार्प पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये दोनों कर्व्स को कहाँ पर बना सकते हैं? लॉग लॉग स्केल पर बना सकते हैं। अभी मैंने अर्थमेटिक स्केल पर तीनों बनाया है, लेकिन आप इसको फिर लोकल शेयर फेलियर को क्या कर सकते हैं, लॉग लॉग स्केल पर भी बना सकते हैं। तब आपको शार्प पॉइंट मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि फेलियर कहाँ पर हो रहा है। यदि आप लॉग लॉग स्केल पर बनाओगे ना, तो आपको कर्व फिर ऐसा मिलेगा। यहाँ पर अपन ने लॉग लोड ले रखा है ना, लॉग लोड, और यहाँ पर लॉग सेटलमेंट, लॉग लॉग कर्व है मतलब, ठीक है। यहाँ भी लोड है, यहाँ भी सेटलमेंट है, लेकिन कर्व कैसा है, लॉग लॉग। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक्सिस पर लॉग है, तो यदि आप लोकल शेयर फेलियर का बनाओगे ना, तो कर्व आपको ऐसा मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से लीनियर कर्व मिलेगा। पहले ऐसा आ रहा होगा और वो साइन चेंज कराएगा, मतलब ये आपका एक शार्प पॉइंट मिल गया, यहाँ पर आपके सॉइल क्या हो रही, शेयर हो रही है। तो आप लॉग लॉग स्केल पर कब बनाओगे, जब आपको क्लियर फेलियर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। यहाँ पर तो क्लियर फेलियर ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए इसको लॉग लॉग पर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसको जरूर लॉग लॉग पर बनाया जा सकता है, या इसको भी बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक की बात तो ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था डिस्कशन के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए। फोटो लेने वाले लोग फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट लेने वाले लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक था, आप लोग सभी लोग, मैं भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जो लोगों ने नहीं लिया था उन लोगों के लिए मैं ले लेता हूँ, जो लोग बाद में पढ़ेंगे उनको मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ। भेज दिया हूँ मैं आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। क्या बात है, मेरे से पहले ही भेज दिए भाई, ये कौन था भेजने वाला, शिवम द्विवेदी जी, मेरे से पहले ही भेज दिए, बहुत बढ़िया भाई। चलो ओंकार जी का भी फोटो आ गया है ग्रुप में, सब लोग ईमानदारी से भेज रहे हैं यार, पढ़ रहे हैं, मतलब तुम लोग है ना अच्छे हो, मतलब कभी कभी दिल दुखा देते हो इसलिए मेरा फिर दिमाग आउट हो जाता है, ऐसा मत करा करो यार। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, अभी कितने बजने वाली है, 2:30 होने वाला है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि सुबह से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और इस बीच में आके तुम लोग ऐसी नौटंकीबाजी करोगे, उल्टे सीधे बातें लिखोगे, तो सामने वाले का दिमाग नहीं ख़राब होगा क्या यार? ऊपर से उसकी तबीयत भी, यहाँ गले छिले हुए हैं मेरे, पूरे गले छिले हुए हैं, है ना, फिर तुम ऐसा उल्टा सीधा लिखोगे तो दर्द होता है यार, फिर मेरे को फिर अच्छा नहीं आता है। ठीक है, चलिए आप लोग फोटो ले लीजिए लेने वाले लोग, है ना। आज के सेशन को फिर मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, तो थैंक यू एवरीवन। वही यार आयुष, सही बोल रहे हो, दिल से बुरा लगता है कभी कभी, इसलिए फिर ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता आप लोगों को, पढ़ाना नहीं चाहता तो मैं आते ही क्यों, एक मिनट के लिए सोचो, जो लोग फालतू की बातें कर रहे हैं ना उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर्स हैं हम लोगों के, और एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हो, लेकिन एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यदि मैं नहीं पढ़ाना चाहता तो मैं क्यों आऊँगा यहाँ पर लाइव, मैं लाइव क्यों आऊँगा? अरे मुझे कोई इनकम हो रही है क्या लाइव लेने से? कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो जीरो इनकम, मैं क्यों आऊँगा, क्यों अपना टाइम खराब करूँगा, क्यों मैं खड़ा रहूँगा? मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा है, मेरे घुटने दर्द करते हैं खड़े रहने में, भाई मैं नहीं खड़ा रहता हूँ ज़्यादा, मैं क्यों आऊंगा बताओ? मेरा गला छिलाया हुआ, मैंने सुबह से खाया नहीं है, तो मैं क्यों आऊंगा पढ़ाने? और ऐसा भी नहीं है कि इन सब पढ़ाने के लिए मुझे अलग से कोई सैलरी मिलता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। यदि कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं ना, सर आप पढ़ाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो उसका भी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि यूट्यूब पर पढ़ाने का मेजर को ऐसा कोई अलग से अमाउंट नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर नहीं भी पढ़ाऊंगा ना, देन ऑल्सो एकेडमी वाले मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसके बावजूद भी मैं आ रहा हूँ ना, अपनी स्वेच्छा से आ रहा हूँ ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है।
वही वही कुछ लोग नहीं सुधरेंगे कुछ लोग नहीं सुधर सकते, सही बात है। चलो ठीक है, आप लोग सेशन को इसी तरीके से देखते रहिए, शेयर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। पढ़ने वाला कहीं से भी पढ़ लेगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं वीडियोस को लेने के, है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप स्मार्ट हो, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप एक स्मार्ट इंजीनियर यदि हो तो आपको बहुत सारे तरीके होते हैं वीडियोस से पढ़ने के, आपको तरीके आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन को मैं यही स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा सा पढ़ाई जिन लोगों ने नहीं किया वो यहाँ से नोट्स बनाकर भी कर पाएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।